लॉकअप, कंगना रनौत और एकता कपूर को क्यों है नए शो को लेकर केस का डर। टीवी के सबसे विवादित शो में से एक बिग बॉस जैसा ही एक और शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। बैदास जेल अत्याचारी खेल। ये शो बनाया है टेलीविजन कंटेंट की क्वीन मानी जाने वाली एकता कपूर ने और इसे होस्ट कर रही है अभिनेत्री कंगना रनौत। ये कंगना रनौत का डिजिटल डेब्यू भी है। शो के कंटेस्टेंट का चुनाव खुद कंगना रनौत ने किया है। इस शो की घोषणा के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि उनके ऊपर बीते 2 सालों में कई FIR हो चुकी है और वो पुलिस थाने के कई चक्कर भी लगा चुकी है। वहीं एकता का कहना था कि शो के कंटेंट को लेकर वो जिम्मेदार नहीं है। एकता ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस शो को लेकर उनके ऊपर कई FIR होंगी। कंगना ने दी हिजाब पर चुनौती तो शबाना ने पूछा सवाल, जावेद अख्तर भी बोले। जब कंगना ने बताया भारत की आजादी का नया साल ओटीटी पर ये पहला ऐसा शो है जो रिलीज होने से पहले ही बहुत ज्यादा विवादों और सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह है शो का फॉर्मेट और उसके कंटेस्टेंट। शो में अधिकतर ऐसे प्रतियोगी हैं जिनका विवादों के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। क्या है शो का फॉर्मेट? लॉकअप नामक इस शो में 16 कंटेस्टेंट्स होंगे। इन सभी प्रतियोगियों को लॉकअप में 72 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना होगा और तकरीबन हर कदम पर टास्क दिए जाएंगे। कंगना रनौत जेलर की भूमिका में नजर आएंगी। एकता कपूर ने बताया कि शो में पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को ऑडियंस वोट कर सकती है, लेकिन 50% वोटिंग पावर कंगना के पास होगी। शो में टिके रहने के लिए कंटेस्टेंट्स को अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोलने होंगे। ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित होगा। बिग बॉस की तरह दर्शक लॉकअप में भी कंटेस्टेंट्स की हरकतों को 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। शो के प्रतियोगी पहला नाम है मॉडल पूनम पांडे का। वर्ष 2011 में पहली बार पूनम चर्चा में आई थी जब उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो वह पूरी टीम को चीयर करने के लिए स्ट्रिप हो जाएंगी। हालांकि BCCI की ओर से उन्हें ऐसा करने की मंजूरी नहीं मिली थी। पूनम एक बार और सुर्खियों में रही जब उन्होंने 2020 में शादी की और इसके 12 दिन बाद ही उन्होंने अपने पति पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। शो में शामिल दूसरा नाम जो सामने आया है वो है अभिनेत्री निशा रावल का। निशा ने पिछले साल अपने पति और सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है पिन करण मेहरा पर मारपीट का आरोप लगाया था। तीसरे प्रतियोगी गुजरात के जूनागढ़ निवासी और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी हैं। बीते साल मुनव्वर फारूकी के महज 2 महीने के अंदर 12 शो कैंसिल हो गए थे। हिंदू देवी देवताओं पर कथित विवादित टिप्पणी की वजह से फारूकी को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। लॉकअप में दिखेंगे खिलाड़ी कंगना के लॉकअप में खेल जगत के सितारे भी नजर आने वाले हैं। इनमें पहला नाम बबीता फोगाट का है। फोगाट बहनों की जिंदगी पर ही आमिर खान ने दगल फिल्म बनाई थी। कुश्ती चैंपियन बबीता फोगाट ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल और 2012 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और बाद में 2019 में राजनीति में कदम रखा। फिल्म और ओटीटी समीक्षक सोनू सहदेवन इस नए एकता कपूर के शो लॉकअप का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऑल्ट बालाजी को एक बड़े शो का इंतजार था, क्योंकि उनके पास बहुत कम ऐसे शो है जिनके लिए इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को याद किया जाता है। ऑल्ट बालाजी कुछ नया नहीं दिखा रहा है। अगर ऑल्ट बालाजी की टारगेट ऑडियंस की बात करें तो फोकस युवाओं पर है। उनके ज्यादातर शो परिवार के साथ देखने वाले होते ही नहीं। ओटीटी पर कामयाबी का पैमाना ओटीटी में कैसे तय किया जाता है कि कौन सा शो हिट और कौन फ्लॉप, इस पर सोनू कहते हैं कि ओटीटी में हिट या फेल का मापदंड नहीं होता। या तो सब कुछ हिट है या तो सब कुछ फ्लॉप है। ना बॉक्स ऑफिस है और ना ही TRP की रेटिंग, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पता चल सके। लॉकअप शो 27 फरवरी से MX प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर शुरू होगा। आए 16 प्रतियोगियों में से सिर्फ कुछ के ही नाम पता लगे हैं।
मैं ऋतिक से शादी करना चाहती थी, कंगना रनौत आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप का मामला दर्ज, विवादों से खतरे में कब व न कंगना का करियर।